कश्मीर, जहां हर मौसम प्यार में पकने की वजह है। कश्मीर सिर्फ एक जगह ही नहीं है, यह एक भावना है जहां प्रकृति अपने बेहतरीन रत्न पहनती है। वह भूमि जहां पर आप हर कदम उठाते हैं स्वर्ग की ओर। एक और कदम हमने भी उठाया स्वर्ग की ओर, तो हमने दिल्ली से अपना रास्ता 500 किलोमीटर तय करके हम पहुंचे जम्मू बॉर्डर पर, जहां पर हम एक दुविधा में पड़ गए कि सीधा जाएं या राइट। फिर हमें अचानक से एकदम से आवाज आई मछलियों की, जिन्होंने कहा कहां जा रहे हो, इधर आओ। हमने लिया राइट और हमने जम्मू को बाईपास करते हुए रास्ते में पकने वाली मानसा लेक पर एक प्यारा सा स्टॉप लिया, और जहां पर हमें ये खूबसूरत नजारा देखने को मिला। और फिर आपको ये मछलियां दिखाई देंगी, सी। ओ भाई, ये तो हाथ लगाने को तैयार है। I don't want to touch them because these fishes are so smelly, but scene सही है यार। बहुत तेज धूप है, बहुत ही तेज धूप है, मेरे हाथों में चुभ रही है धूप, सही बताऊं तो लिटरली चुभ रही है। बट अगेन इस ब्यूटीफुल लेक के सामने तो कुछ भी चलेगा। तो लेक का नाम मैं फिर से बता देता हूँ, मानसर लेक है इस लेक का नाम। और यहाँ पे कुछ झूले वूले भी हैं, आई गेस वहाँ पे झूले हैं बच्चों के। ऐसे छोटा सा एक मार्केट भी बना हुआ है, बट ऐसा कुछ मिलेगा नहीं आपको खाने पीने के अलावा, वो भी ऐसे मैगीज एंड वो सब मिलेगा। यहाँ पे फिश तो फिश, कछुए भी हैं, देख रहे हो आप। चलो सी, तो फिश के साथ साथ कछुओं के भी मज़े हो रहे हैं, उनको भी खाना मिल रहा है। तो देखो अब वहाँ देखो सीन। ओ भाई ये सीन देखो, आवाज़ सुन रहे हो मछलियों की। यार ये सही है यार, ये काफ़ी एंटरटेनिंग है, मतलब सबके लिए, यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं। ये देखो वहाँ पे, और जूम कर देता हूँ मैं। वाह, और इन्होंने अपनी अलग टेरिटरी बनाई है। सो टर्टल्स की एक अलग छोटी सी टेरिटरी है, यहाँ पे 3-4 टर्टल्स मिलेंगे आपको। बट भाई असली तो जो एंटरटेनिंग थिंग है ना यहाँ पे, वो ये है फिशेज का, इस तरह से खाना खाना। और सब की सब इतनी हेल्दी फिशेज हैं, बहुत हेल्दी फिशेज हैं। आई डोंट थिंक कि कोई इनको हंट भी करता हुआ, ये सब ऐसे ही मस्त अपने खाते पीते हैं यहाँ पे। और एक फास्ट बोट भी है वहाँ पे, क्रूज बोट तो नहीं कहूँगा, आई डोंट नो, फास्ट बोट ही है शायद वो। तो वो तो उसका तो कोई यूज़ कर नहीं रहा है, इसकी कोई टिकटिंग सॉल्यूशन भी मेरे को दिख नहीं रहा है यहाँ पे। बट बढ़िया भाई, मतलब सही वर्थ है यहाँ पे स्टॉप लेना एक छोटा सा, अगर आप जा रहे हो आ रहे हो तो एटलीस्ट यू विल गेट ए चांस टू सी दीज ब्यूटीफुल फिशेस, हेल्दी फिशेस। भाई लोग ये देखो यार, ये ऐसे सीन्स होते हैं भाई। तो भाई हाईवे पे ना थोड़ा देख के चलानी पड़ती गाड़ी। तो भाई उधमपुर से निकल चुके हैं आगे, और यार एक चीज़ है आपको मैं सजेस्ट करूँगा, मतलब बाकी आपकी मर्जी है। सो व्हेन यू एंटर इन द जम्मू और कश्मीर ना, जैसे पठानकोट बॉर्डर पास पार करते हो आप, तो उसके बाद आपको दो रास्ते, दो ऑप्शन मिलेंगे। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जानता हूँ छोटा सा सही चल रहा है यार। एनीवेज ठीक है, तो उसके बाद आपको ना वो एक हाईवे चलता रहेगा, बट उसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मतलब गूगल मैप के थ्रू। एक होगा आपका शॉर्टकट वाला जो आपको डायरेक्ट जब उधमपुर पहुंचाएगा, और एक होगा एक्सप्रेस वाला, ये हाईवे जो है अपना ये सीधा आपको मतलब लेके आएगा, बट उसमें बीच में जम्मू आता है जाम वगैरह, तो टाइम मतलब थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। और जो शॉर्ट वाला रास्ता जो बताएगा आपको ये जम्मू होते हुए ना, सॉरी बाईपास होते हुए, वो काफ़ी थोड़ा ऑफ रोड है यार, बहुत ऑफ रोड है। तो अगर आपकी गाड़ी उस लेवल की नहीं है जो झेल सके मतलब ऑफ रोड्स को, पहाड़ शुरू हो गए बाय द वे, थोड़े पहाड़ शुरू हो गए, उससे पहले यार बहुत ही बेकार सीन, मतलब लाइक एटलीस्ट 3-4 आवर्स तो आपको लगेगा ही नहीं आप कश्मीर में एंटर हो गए, सही बता रहा हूँ मैं। ऐसा लगेगा पता नहीं कहाँ गए हो, मतलब देहरादून लगेगा आपको, सही बता रहा हूँ। तो वो सीन तो पार कर लिया हमने, तो हमने भी खैर वही लिया, तो जो बाईपास था उसने हमारा टाइम बचाया और किलोमीटर्स भी बचाए, वो 60 किलोमीटर्स बचाएगा आपका अगर आप वो वाला रूट लेते हैं। लेकिन हाँ ऑफ रोड है, प्रॉपर ऑफ रोड है। एक लेकिन उसमें एक अच्छी चीज़ है, आपको मानसर लेक देखने को मिल जाएगी, जो हर एक लोग मिस कर जाते हैं अगर वो इस हाईवे से आते हैं तो। सो अभी उधमपुर पार कर लिया, नाउ देखते हैं यार अभी कोई कुछ खाने का नहीं मिल रहा है अच्छा सा, वैसे एक ही खाने का मिल रहा है, देखते हैं क्या है इसका। प्रेम दी हट्टी रुक नहीं पाएगी कभी। तो भाई चिनैनी टनल के अंदर आ गए हम,
ये जम्मू की तरफ से जब आप आओगे ना कश्मीर साइड श्रीनगर साइड जब जाओगे तो मेरे ख्याल से पहली टनल है। और ये पहली टनल का कमाल ऐसा है ना भाई, इसने बहुत ट्रेवल टाइम बचाया लोगों का बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल से लोकल्स के लिए तो यार इट्स अ ग्रेट हेल्प। पता क्या होता है सर्दियों में ये आपका पटनी टॉप ऊपर पकड़ता है ना, पटनी टॉप और एक दो और एरियाज हैं उनमें स्नोफॉल और भाई एवलॉन्चेस बहुत होते हैं, बहुत एवलॉन्चेस होते हैं, तो उनको बचाते हुए ना ये इतनी प्यारी टनल है, ये बचा देती है पूरा आपका 2.5 घंटा 30 किलोमीटर, लेकिन 2.5 घंटा बहुत सही चीज है, मतलब 2.5 घंटा बचाना आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प होती है। एंड भाई ये इंडिया की फर्स्ट फुली कंट्रोल्ड ऑटोमेटेड कंट्रोल जो टनल सिस्टम होता है वो पहली टनल है इंडिया की, और 9.28 किलोमीटर से यार छोटी नहीं होती। एनकाउंटर्ड विद द 32 किलोमीटर्स वेरी 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 बैड पैच ऑफ रोड, और बिल्कुल मतलब रोलर कोस्टर वाली राइड हो रही है। धूल की तो भाई पूछो मत, मतलब इतनी धूल होगी कि पूरे इंडिया की ना नई दुल्हनों के लिए पूरा पाउडर तैयार हो सकता है यहाँ से। और भाई एक और नई टनल वहाँ पे सीधे, ये कौन सी टनल है इसका कुछ नहीं पता मेरे को, बट आई एम वेटिंग फॉर द जोहार टनल, बहुत पुरानी टनल है यार, उसकी भी अच्छी हिस्ट्री है। और जैसी भी भाई मतलब रोग तो रोग, आपको एक चीज दिखाऊं, सी जेसीबी दफन हो गई है भाई, और ना वो पहाड़ का पार्ट बन चुकी है, मतलब किसी ने उसको निकालने की भी कोशिश नहीं की है। तो भाई चंदनी चैननी या चंदनी आई डोंट नो नाम बोलिया भाई, उस टनल के जस्ट आफ्टर ना एक और टनल है जो किसी डेजर्ट सफारी और या डेजर्ट स्टॉर्म से कम नहीं है भाई। ये देखो ये एकदम से ये हाथी पैदा हो जाते हैं इसमें ना, इस टनल में यू नेवर गेट टू नो। और ये लाइट्स ये तो ऐसे मतलब तारे टिमटिमा रहे हैं जैसे आसमान में भाई, ऐसे ऐसे ऐसी टनल में चलाना चाहोगे आप गाड़ी, बाइक तो बिल्कुल मत लाना, किसी ट्रक के टायरों के दो बीच गैप में कहां से निकल जाओगे पता नहीं चलेगा। छोटी टनल है बट भाई जो इसने डेजर्ट सफारी का जो एंटरटेनमेंट दिया है ना, मैं मजा आ गया सी बता रहा हूँ, मैं बहुत ही मजा आया। वाह यार एकदम से मतलब इस तरफ अलग ही सीन है, ये सही है भाई। Here at the Sikara's location, ये आपके प्यारे प्यारे सिकारे बने हुए हैं इस तरफ, और बच्चे बड़े हंस रहे हैं भाई, मजे आ रहे हैं बच्चों को मुझे ऐसा लग रहा है। उस तरफ भी कुछ सिकारे हैं, रोशनी कम है बट इधर कुछ लोग एंजॉय जरूर कर रहे हैं, सब लोग अंदर हो गए हैं टाइम से ही, मतलब माहौल यही है। कुछ स्पीड बोट्स हैं उस तरफ, ये बोट स्पीड वाली है, इनके अलग मजे हैं खैर, बट अपन बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हैं, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। उधर एक और बोट है एक पीछे जिसमें लाइट भी है यार, लाइट वाली बोट ज्यादा अच्छी लग रही है। अपा ऐसे ही आ गया, चलो भाई फाइनली वी आर हेड एट द प्लेटफॉर्म, यहाँ से उतरेंगे और उधर जाएंगे। होम से होते हुए सीधा शिकारा की तरफ, शिकारा शिकारा शिकारा, ठीक है भाई। लकड़ियाँ आवाज कर रही है भाई रात में, आई होप कि ये शिकारे हिले ना, बिकॉज नींद नहीं आएगी फिर मेरे को, बिल्कुल सही बता रहा हूँ, मेरा हो जाएगा दिमाग खराब। अब एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरा शिकारा है कौन सा, कौन बताएगा मुझे, ये ढूंढना पड़ेगा मुझे, पूछना यार इसमें ये वाला पूछे यार इनसे, मैं पूछता हूँ। वी आर इन टू आवर रूम्स, और भाई रूम तो बहुत ही सही है भाई ने बढ़िया रूम दिया यार, मतलब कुल मिला के ना सी द रूम, दिस इज अवर रूम। और भाई वॉशरूम चूम, आई शो यू द वॉशरूम, भाई ये वॉशरूम है मतलब ठीक है, बुरा नहीं है भाई इस प्राइस में ना, मैं प्राइस तो रिवील नहीं करूँगा, कर देता हूँ रिवील यार, मतलब प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, बट मैं ये कहूँगा यार इस रेंज में ना, खैर उधर तो मैं दिन में दिखाऊँगा आपको, शीशा लगा हुआ है अभी फ़िलहाल तो। एंड Here I am. ठीक है भाई ये रूम है, पंखा मतलब गर्मी पड़ती है, पंखा है मतलब गर्मियों में गर्मी पड़ती है, किसी भी जगह पर अगर पंखा नहीं है ना विच मीन्स कि वहाँ पे 12 महीने गर्मी नहीं पड़ती, यहाँ पे किसी न किसी मंथ में गर्मी पड़ती है, इसी वजह से यहाँ पे पंखा लगा हुआ है। अभी फिलहाल बहुत ठंड है तो इसलिए पंखा बंद है, बाकी रूम ये है अपना।